सोलन में सत्य साई समिति द्वारा 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सेंट ल्यूक स्कूल की प्रधानाचार्य इसाबेल इग्निस बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। यह कार्यशाला स्कूली बच्चों के लिए आयोजित की गई, जिसमें उन्हें मानव मूल्यों की जानकारी प्रदान कर उन्हें पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ धर्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने जहां एक ओर उन्हें प्राणायाम योग की क्रियाएं सिखाई गई, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। जिन विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। अधिक जानकारी देते हुए सत्य साई समिति के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, अध्यापक मणिकेतन साहू और प्रधानाचार्य इसाबेल इग्रिस ने बताया कि 5 दिवसीय इस कार्यशाला में 12 स्कूलों के 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि बच्चों को जानकारी दी गई कि आज के समय में उनके कैसे संस्कार और आचरण होना चाहिए। उन्होंने बताया कि आज की पीढ़ी नैतिक मूल्यों से बेहद दूर है, बहुत ज्यादातर टीवी मोबाइल और नशे की तरफ उनका ज्यादा झुकाव हो चला है, इसलिए उनमें नैतिक मूल्य जगाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्हें विभिन्न माध्यमों से मानव मूल्यों के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सत्य सेवा ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश, उसके तहत आज सोलन में जो 5 दिवसीय जो हमारा हॉलिडे कैंप था बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे जिसमें कि 6 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे सम्मिलित हुए, विभिन्न स्कूलों से आए हुए थे, करीबन 12 स्कूल से बच्चे हमारे बीच में थे, और इन्हें मॉरल वैल्यूज़ यानी कि सत्य धर्म शांति प्रेम और अहिंसा किसी किसी तरीके से नए नए तरीकों से, जिसमें कि गीत भी थे उनके लिए, रोल प्लेस भी थे, वीडियोज़ भी थे, मूवीज़ भी थी, और कई अन्य तरीकों से वेद मंत्र भजन इत्यादि सभी कुछ इसमें सम्मिलित करके इन्हें कोशिश की गई कि उन्हें सिखाया जाए कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए, हमारे कैसे संस्कार होने चाहिए। हमारा ये जो हॉलिडे कैंप है लगातार पिछले 12 वर्षों से चल रहा है, और इस हॉलिडे कैंप में जैसे बच्चों की छुट्टियां समाप्त होती हैं, इनके एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, सभी स्कूलों के बच्चे यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। हम यहाँ पर हॉलीडेज़ में पिकनिक भी करते हैं, सब कुछ बच्चे बहुत आनंद लेते हैं, और भगवान की पूरी कृपा है कि हम ऐसा कार्य कुछ कर पा रहे हैं यहाँ पर सोलन में, और ऐसा ही कार्य जो है पूरे हिमाचल भर में भी सभी ज़िलों में होने की चेष्टा रखते हैं, और सब कुछ ऐसा कर रहे हैं। हम भगवान का बहुत धन्यवाद करते हैं, सभी सोलन वासियों का धन्यवाद करते हैं, बच्चों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बच्चों के बिना ये कैंप की सक्सेस जो है वो संभव नहीं है। हमारा इस 5 दिवसीय जो कैंप होता है हॉलीडे कैंप, इसमें ये उद्देश्य रहता है कि बच्चे जैसे छुट्टियाँ शुरू होती हैं तो बच्चे जितने भी बच्चे इसमें सम्मिलित होते हैं वो बाकी चीज़ों को हटकर, यानी कि जैसे छुट्टियां हो जाती हैं तो बच्चे चाहते हैं कि हम ज़्यादा समय जो है टीवी के आगे व्यतीत करें, मोबाइल्स पर व्यतीत करें और अन्य कार्यों में व्यतीत करें, जिससे कि वक्त को बर्बादी ही मिलती है, वैसा सब कुछ छोड़कर हमारे इस कैंप में जैसे आते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क कैंप है, इसमें कुछ भी एक नया पैसा भी नहीं लिया जाता, और अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर सीखते हैं बच्चे, कुछ हटकर अपने टीवी से हटकर, अपने वीडियो से हटकर, अपने मोबाइल से हटकर, आलतू फालतू की बातों से अच्छी गेम्स यहाँ पर खेलते हैं, वैल्यू गेम्स खेलते हैं, गुरु कहते हैं सब कुछ, जो जो गुरु इनको सिखाते हैं, हमारे जितने बाल विकास के गुरुज हैं, ये बाल विकास के गुरुज इनमें कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें भर दें, ऐसे आचरण भर दें, ऐसी वैल्यूज़ भर दें, ताकि ये एक अच्छा इंसान बन सकें, आज आने वाला जो हमारा समाज है, क्योंकि हमारे बच्चे आज के बच्चे कल के नेता हैं, कल इन्होंने ही हमारे देश को संभालना है, तो हम एटलीस्ट अच्छे आचरण वाले बच्चे निकलेंगे और अच्छे बड़े होंगे तो हम में भी ऐसे ही गुण जो है सभी बच्चों में आना आवश्यक है और आते रहेंगे। पिछले 4 दिनों से हमारे यहाँ बाल विकास हॉलीडे कैंप चल रहा था, श्री सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन सोलन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। उसमें सोलन के विभिन्न स्कूल के बच्चे भाग लिए, जिसमें बच्चों को हमने मंत्रा, स्तुति, श्लोक और बहुत सारे मॉरल वैल्यू के ऊपर हमने बच्चों को क्लासेस लिया। हमारा उद्देश्य है बच्चे को बाल विकास क्लास में नैतिक मूल्य से, आजकल बच्चे बहुत दूर हैं तो नैतिक मूल्य के आधार पर ये बाल विकास क्लास होता है। उसमें बच्चे बाह्य ज्ञान जो पढ़ाई ज्ञान तो स्कूलों से सीख जाते हैं, लेकिन नैतिक मूल्य के आधार पर बच्चे आज के डेट में बहुत पीछे हैं। जैसे कि आज देखते हैं बच्चे मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं और नशा की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं, तो इन सबों को रोक करने के लिए बच्चों ने बहुत पिछले चार दिन में बच्चों ने बहुत तरह तरह के प्ले हमारे सामने उनको दिखाया गया और बच्चों ने खुद ही किया उस चीज़ को। और बच्चों के अंदर बच्चे वाकई ही गुणी होते हैं, और बहुत छोटे बच्चे तो उनको हम जैसे ढालते हैं वो वैसे ही ढल जाते हैं। तो बाल विकास क्लास का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों के अंदर आध्यात्मिक भावना को जागृत करना। आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट डॉक्टर संजय अग्रवाल
and Dr. Savitri Agarwal for promoting values in the society which needs peace, harmony and brotherhood. And this is a season to promote peace, harmony. I congratulate them, the upbringing of their parents and the upbringing of St. Luke's family and Sacred Heart family. So they are the transformers and they have brought what is the true meaning of peace through their activities. And I congratulate and I wish them, may they continue to promote values in the society. Congratulations and God bless you. Life Times TV के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। कबड्डी एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश पेश करते हैं 46वीं जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। देखिए सीधा प्रसारण ओनली ऑन लाइव टाइम्स टीवी, जिसमें शामिल होंगे अजय ठाकुर, प्रदीप नरवाल, विशाल भारद्वाज, दीपक निवास हुड्डा, मंजीत चिल्लर और सुरेंद्र सिंह। कबड्डी रोडू संघ इन्वाइट्स यू ऑल, तो देखना ना भूलिएगा। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।